नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, फिएट का 1.3 लीटर जो डीजल इंजन है कई सारी गाड़ियों में आता है, तो ये जो इंजन है ये पूरी तरह किस तरह रिबिल्ड करते हैं या फिर ओवरहॉल करते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, इंजन की सारी चीज़ें है ये। देखो, ये हमारा मेन ब्लॉक है। तो इसमें दिक्कत ये थी, ये इंजन चला था बहुत सा, और इसके कारण ये जो स्लीव है ना, इसके गाले बड़े हुए थे और इसके कारण रेंज का गैप बड़ा हुआ था। इसमें पिकअप की और माइलेज की बहुत सारी समस्या थी, तो इसके लिए पूरा खोला हमने और इसमें स्लीव वगैरह मार के लिए। ये देखो, यहाँ देख रहे हो, ओके, ये स्लीव मार के लिया है या फिर लाइनर बोलते हैं इसको, ये मार के लिया है। और पूरा मतलब जितना ओरिजिनल इसका डायमीटर होना चाहिए उतना रखते हैं पूरा। मतलब ये टर्नर का काम होता है, टर्नर करके देता है पूरा, बोर वगैरह करके एकदम प्रॉपरली देता है, तो वो सारा हमने किया है। ये देखो, क्रैंक वगैरह सारा पॉलिश वगैरह करके लिया है। ये देखो, ये क्रैंक के जो बेयरिंग है ये सारे नए, ऑयल सील नया लेके आए हैं। देखो, ये प्लेट है, तो ये अभी पूरा असेंबल करने वाले, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये जो इंजन है ये किस तरह रिबिल्ड करते हैं, किस तरह असेंबल करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइमिंग कैसा है, पिस्टन कैसे सेट करते हैं, रिंग कैसे सेट करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ब्लॉक हमने उल्टा कर दिया और ये जो ब्लॉक होता है इसके अंदर पूरे मतलब ऑयल के सुराख रहते हैं, कूलेंट के भी रहते हैं ऊपर से, तो ये सुराख पूरे फ्री है कि ये देखना पड़ता है, तो इसके लिए एयर मार के देखना पड़ता है। ये देखो, इस तरह ये ऑयल की जेट होता है उसमें भी एयर मार के देखना पड़ता है, दूसरी जो सुराख है उसमें आ रही है क्या। ये देखो, एकदम प्रॉपरली आ रही है, ये सारे जितने भी सुराख है उसमें एयर मार के लेनी है। अगर एक भी इसका सुराख बंद हुआ है तो फिर से आपका इंजन सीज होगा, मतलब आप जो रिबिल्ड करने वाले हो इंजन वो सक्सेस नहीं होगा, फिर से मतलब 2-4 हज़ार किलोमीटर भी नहीं चलेगा, पूरा सीज हो जाएगा बेयरिंग। तो इसके लिए ये पूरा चेक करना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमारा जो क्रैंक है उसमें भी सुराख मिलते हैं, वो भी इसी तरह चेक करने हैं। देखो, एयर एकदम प्रॉपरली आ रही है। ये देखो, इस तरह चेक करना है, सारे जो सुराख ओपन है या ब्लॉक है, एकदम ओके है। अभी ऊपर से उल्टा करता हूँ ब्लॉक, वो भी चेक करेंगे। ये देखो, ये भी सारे प्रॉपरली चेक करने हैं। ये देखो, ये अंदर से इस तरह है सुराख, ये सारे चेक करने हैं। ये देखो, ये बड़े करने की ज़रूरत नहीं, उसमें कूलेंट रहता है और दिखते हैं आँखों से, लेकिन छोटे छोटे वो आँखों से नहीं दिखते। ये देखो, इसके अंदर है, ठीक है। ये देखो, ये दो छोटे, ये सारे हमने टेस्ट कर लिए अभी। इस इंजन में पिस्टन के कूलिंग के लिए और लुब्रिकेशन के लिए ऑयल जेट होते हैं, तो ये जो इधर से है ना स्प्रे करते हैं ऑयल पिस्टन के नीचे से पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें चेक करके लगाने पड़ते हैं। इसमें देखोगे ना तो एक बॉल है, देखो, तो उसका टेंशन चेक करना होता है। तो ये अगरबत्ती की काड़ी वगैरह आप ले सकते हो, मेटल की चित मत लीजिए क्योंकि डैमेज कर सकती है बॉल को, तो सिर्फ इसका टेंशन चेक करना है। देखो, ये इस तरह प्रॉपरली टेंशन होना चाहिए, अगर टेंशन ओके है तो ही ये लगाने हैं, नहीं है टेंशन किसी का तो आपको दूसरे लगाने होते हैं। ये देखो, इधर ये इस तरह अच्छे से प्रेस करके अंदर लगाने हैं आपको, इसके ऊपर बोल्ट लगेगा। सॉरी, गिर गई गाड़ी। तो चारों ऑयल के जेट हैं, ये हमने लगा दिए एकदम प्रॉपरली चेक करके। इसके बाद इसके बोल्ट होते हैं, ये लगाने हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं लगाने, इसमें ट्रेड लॉकर लगाना है थोड़ा सा। ये देखो, ये ट्रेड लॉकर होता है, ये जो बोल्ट है ये वाइब्रेशन से लूज़ होने से बचाता है, और कंपनी भी ट्रेड लॉकर लगा के देती है। तो इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसा नहीं करते तो होता कुछ नहीं है, लेकिन बाय चांस हो सकता है अगर वाइब्रेशन से ये बोल्ट गिर गया तो आपका पूरा इंजन डैमेज भी कर सकता है ये छोटा सा नट या फिर बोल्ट। तो इसके लिए जो भी इंजन के अंदर के ये छोटे छोटे बोल्ट वगैरह रहते हैं उसमें ट्रेड लॉकर लगाना ज़रूरी है। देखो, थोड़ा सा ही लगाना है। देखो, चारों बोल्ट को मैंने ट्रेड लॉकर लगा दिया, अभी इनको मैं टाइट कर लूँगा। अभी देखो, चारों जो जेट के बोल्ट है वो हमने प्रॉपरली टाइट कर दिए। तो अभी ये जो बेरिंग है ये लगानी है। ये देखो, ये ऊपर वाली बेरिंग मतलब जो ब्लॉक में बेरिंग बैठती है उसमें ये खाँच होते हैं बीच में, तो वो खाँच वाले हैं ये आपको ब्लॉक में लगाने होते हैं, और नीचे वाले प्लेन रहते हैं। ये देखो, ये नीचे वाले रहते हैं, वो नीचे की प्लेट में लगते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जितने भी बेरिंग है ये सारे लगा देने हैं।
और जो बीच का बेरिंग है उसमें देखो साइड में थ्रस्ट वॉशर रहते हैं, तो कभी कभी बेरिंग के साथ आते हैं और कभी कभी अलग से आते हैं, तो अलग से लगाने हैं, तो बहुत से बार बेरिंग के साथ ही आते हैं। अब चेंज करते हो तो ये देखो, तो इसको इस तरह लगाना है, ये थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा के प्रेस करना पड़ता है। ये देखो ये भी बैठ गया, तो इसी तरह चारों बेरिंग लगा दिए मैंने, चारों नहीं सॉरी पांचों बेरिंग। तो बेरिंग के ऊपर ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, देखो प्रॉपरली ऑयल भी डाल दिया, और बेरिंग लगाने से पहले भी थोड़ा ऑयल डाला था मैंने ताकि बेरिंग की फिटिंग एकदम प्रॉपर हो। इसके बाद हम क्रैंक लगाने वाले हैं, तो क्रैंक के साथ ही इसका जो मेन ऑयल सील है ये देखो ये भी लगाने वाले हैं। तो इसके लिए ये ऑयल सील ज़रा भी लीक ना हो इसके लिए इधर थोड़ा सा जो सिलिकॉन सीलेंट आता है ये लगाता हूँ, थोड़ा सा लगाना है ताकि ऑयल सील के साइड से ऑयल लीक ना करे। ये देखो ये थोड़ा सा मैंने सीलेंट लगा दिया, बाद में भी लगा सकते हो आप, लेकिन अभी लगाओगे तो आपको इस पर के ऊपर मारना नहीं पड़ेगा, प्रेस नहीं करना पड़ेगा, इजीली बैठ जाएगा। देखो ये जो क्रैंक है ये हम ब्लॉक के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो एकदम आराम से इंस्टॉल करना है, ऑयल सील को भी देखना है प्रॉपरली लग रहा है या नहीं। ये देखो ऑयल सील भी प्रॉपरली लग गया और ये क्रैंक भी एकदम प्रॉपरली लग गया। तो क्रैंक के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल एकदम प्रॉपरली डालना है क्योंकि ये जब हम नया इंजन स्टार्ट करते हैं ना तो ऑयल पोंछने में सारी जगह टाइम लगता है, इसके लिए जो भी बेरिंग्स वगैरह है पिस्टन्स है रिंग्स है उसमें एकदम अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करके लेना है जब हम इंजन बिल्ड करते हैं तब। देखो ये जो प्लेट है ये अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा लिया ताकि जो बेरिंग है एकदम प्रॉपरली फिट हो सके। और आपने पहली बेरिंग देखी थी ब्लॉक की बीच में उसके खाँच थी, और ये देखो ये एकदम प्लेन आती है, इसके बीच में खाँच नहीं आती, तो उल्टी भी लग जाती है लेकिन उल्टी नहीं लगानी, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगानी है आपको भी। देखो ये सारी जितनी भी बेरिंग है ये लग गई है अभी। अभी देखो इसमें जो ऑयल सील बैठता है उधर थोड़ा सा मैं सिलिकॉन सिलेंडर है वो लगाऊंगा, इधर देखो इधर ऑयल के लिए सप्लाई के लिए इधर भी सुराग है, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इतना सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। ये देखो इस तरह ताकि ज़रा भी लीकेज ना रहे, ये देखो एकदम हल्के हाथ से लगाना है। ये देखो इतना सा लगा देना है, ज़्यादा लगा दे वो इसके अंदर जाएगा और ये जो अगर सुराख ब्लॉक हो जाएगा तो बार बार आपका ऑयल सील जाता रहेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ये जो इंजन है ये हम रिबिल्ड करने वाले हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें लगती है जैसे कि बेरिंग है, ऑयल सील है, पैकिंग सेट है, पिस्टन है, रिंग्स है, इसके जो लाइनर है, स्लीव है, ये सारी चीज़ें लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बुढ़मू से मंगाए, तो बुढ़मू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से हम घर बैठे बैठे किसी भी कार के कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे पिक्चर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद जितने भी पार्ट है उनमें से मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाए देंगे, और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न करके अपना रिफंड भी ले सकते हो। तो बुढ़मू ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है, तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये जितने भी बेरिंग है उन पर भी आपको ऑयल लगा के लेना है, ठीक है, ये ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद ये है इधर हमने अच्छे से साफ़ करके लिया है, तो इधर सिलिकॉन सीलेंट लगाया होता है कंपनी ने क्योंकि इधर पैकिंग नहीं होता, तो हम भी इसमें एकदम प्रॉपरली ये जो सिलिकॉन सीलेंट है ये लगाएंगे। ये देखो एकदम प्रॉपरली कंपनी जैसे लगाते हैं ना उसी तरीके से हम भी यहाँ पे सिलिकॉन सीलेंट है ये लगाएंगे। देखो सिलिकॉन लगा दिया एकदम प्रॉपरली, तो अभी इसको भी हम क्रैंक के ऊपर प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे। ये देखो ऑयल सील का ध्यान रखना है, ऑयल सील एकदम प्रॉपरली बैठना चाहिए, ठीक है, सारी जगह से एकदम प्रॉपरली फिट होना चाहिए,
इसके बाद इसके जो बोल्ट है ये लगाने हैं, और सारे जो बोल्ट है ये बोल्ट है साइड में बोल्ट है ये सारे एकदम प्रॉपरली टाइट करके लेने हैं। तो ये सारे बोल्ट हैं इनको लगा के मैं पूरी तरह टाइट करके लेता हूँ। अभी देखो सारे जितने भी बोल्ट हैं एकदम प्रॉपरली टाइट कर दिए, ठीक है। तो ये देखो ये क्रैंक एकदम प्रॉपरली घूम रहा है, एकदम स्मूथ घूम रहा है। तो ऐसा घूमना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए ज़रा भी। देखो एकदम प्रॉपर हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप टॉर्क चाहिए तो टॉर्क लगा सकते हो। तो हमने ऐसे ही टाइट कर दिए, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं रहता। जो हेड के बोल्ट है उसमें टॉर्क लगाना ज़रूरी है, तो उसमें हम टॉर्क लगाएंगे। आपके हिसाब से आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाते तो भी टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये देखो ऑयल वगैरह एकदम प्रॉपर पड़ गया। ये देखो ये सिलिकॉन सिलेंडर को कैसे आ गया बाहर, मतलब ऐसा कंपनी का जो नया इंजन का देखोगे ना तो भी ऐसा ही दिखता है। तो इस तरह मतलब मज़ा आता है देखने में। तो अभी इतना तो फिटिंग हो गया, अभी ये जो सिलिकॉन सीलेंट वगैरह एकदम प्रॉपरली इसको सूखने देते हैं, और उसके बाद बाकी की जो फिटिंग है ये करेंगे। तो इधर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो एंड करते हैं, तो और इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आपको सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा। उसमें पिस्टन पिस्टन रिंग वगैरह जो भी फिटिंग है इसके आगे की वो देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, और एकदम डिटेल में बनाऊँगा। लंबा हो वीडियो, 3-4 पार्ट हो गए तो भी कुछ टेंशन नहीं, एकदम डिटेल में बनाऊँगा। आप खुद भी एकदम बारीकी से जो जो बारीक चीज़ है वो सारी बताऊँगा आपको। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।